हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल उम्मीद फिजियोथेरेपी एंड आज का टॉपिक है क्विक एंड स्वीट टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड देन विल प्रोग्रेस टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का सबसे पहले हम इन टर्म्स का मीनिंग समझते हैं एंड इजी टू रिमेंबर मीनिंग लोड लोड क्या होता है कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि एक स्ट्रक्चर पर अप्लाई हो रही है जैसे कि आप एक बुक पकड़ रहे हो या सूटकेस केस है आपके हाथ में या कोई भी पेन है फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग अ पेन सो ये पेन मेरे हाथ के मसल्स के ऊपर लोड लगा रहा है दैट इज सिंपल लोड ठीक है स्ट्रेस क्या होता है ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट पर एरिया यही हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूला को तो जब लोड्स मटेरियल पे अप्लाई होते हैं तो उस मटेरियल से पे वो फोर्स क्रिएट करते हैं जिसको मैकेनिकल स्ट्रेस बोलते हैं मतलब इस लोड को अगर हमने मटेरियल पे अप्लाई किया जिसकी वजह से जो है फोर्स क्रिएट हुई स्ट्रक्चर के अंदर उसको हमने मैकेनिकल स्ट्रेस बोला है और ऐसे ही स्ट्रेन क्या होता है जो उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से स्ट्रक्चर की शेप में लेंथ में विर्थ में चेंज आया उसको स्ट्रेन बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पेन मैंने ऐसे पकड़ा है तो मेरे इस पेन को ज़्यादा देर और ऐसे टाइटली पकड़ के लिखने की वजह से ये मेरे ऊपर सबसे पहले तो पेन पकड़ना लोड लगा रहा है मैं इसको ऐसे टाइटली पकड़ रही हूँ तो मेरे हाथ के मसल्स में फोर्सेस जनरेट हो रही है उन्हीं फोर्सेस से तो मैं लिख पाती हूँ है ना तो वो मैकेनिकल स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस की वजह से ये जो फिंगर टिप्स हमारे सोर हो जाते हैं या अंदर की तरफ को इम्प्रेशन आ जाता है ज़्यादा टाइट पेन पकड़ने से दैट इज़ द स्ट्रेन हमारे मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम हुआ चेंज इन शेप लेंथ और वर्थ हुआ दैट इज़ स्ट्रेन बेसिक डेफिनेशनस आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होंगी अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ मटेरियल पे मटेरियल का नेचर क्या है किस तरीके का मटेरियल है टाइप ऑफ लोड किस तरीके का लोड लगा रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे लोड लगा रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड एंड ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ लोडिंग अब हम समझते हैं टेंसाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंप्रेसिव लोडिंग एंड स्ट्रेस एंड बेंडिंग क्या होता है ये बेसिक टर्म्स जो कि फ़ोर्स और लोड के हमारे इसमें बेसिक है सबसे पहले हमारे स्लो डिफॉर्मेशन कर्व को समझने के लिए तो गाइस टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जब कोई भी टेंसाइल सबसे पहले ये समझो टेंसाइल फ़ोर्स क्या होती है टेंसाइल फ़ोर्स वो होती है जो लेंथ में बढ़ाती है ठीक है तो अब टेंसाइल दो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस एक इस तरफ से खींच रही है और एक इस तरफ से खींच रही है ठीक है एक लाइन में एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो टेंसाइल लॉस क्रिएट करेगी अगर ये पार्ट इसको भूल जाओ अभी ये हमारा एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसको दोनों तरफ से फोर्स खींच के एक्सपैंड कर दिया लेंदन कर दिया तो वो लेंदनिंग जो इंक्रीज इन लेंथ हुई ना वो स्ट्रेस से हुआ और टेंसाइल स्ट्रेन से क्या आया ये जो इंक्रीज लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से जो चेंज इन लेंथ हुआ है दैट इज स्ट्रेन तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू अभी बताया था फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस क्या होगा टेंसाइल फोर्स अपॉन टेंसिक इसके बाद कंप्रेसिव लोडिंग कंप्रेसिव एज द नेम सजेस्ट कंप्रेस कर रही है फोर्स तो अगर हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये पूरा था हमारा दोनों तरफ से इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी फोर्स लग रहा है तो ये स्ट्रक्चर जो है कंप्रेस हो रहा है जिसकी वजह से ऐसे ही सेम कंप्रेसिव लेंथ में जो चेंज आ रहा है जो लेंथ में चेंज आएगा वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेन डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज हो रहा है यानी कि कंप्रेसिव लोड अपॉन एरिया हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐसी अगर हम बेंडिंग की बात करें बेंडिंग मतलब दोनों तरफ से इस चीज़ को ऐसे बेंड करना तो टेंसाइल बेंडिंग ये दिस इज अनलोडेड फीमर लोडेड फीमर इस तरफ से भी बेंड हो रहा है और इस तरफ से भी बेंड हो रहा है ठीक है ना दैट इज़ नोन एज बेंडिंग इसके बाद ऐसे ही आ जाता है हमारा शीयर लोडिंग यानी कि शीयर स्ट्रेस शेयर मतलब एक ऊपर एक नीचे जस्ट रिमेंबर द डायग्राम तो शेयर स्ट्रेस क्या हो गया शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया दो फोर्सेस अप्लाइड इक्वल एंड पैरेलल इक्वल है पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन कॉज करेगी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लोड डिफॉर्मेशन कर्व पे सबसे पहले ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व बताता है क्या है ये बताता है कि स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल या स्ट्रक्चर एक मटेरियल कितना स्ट्रेंथ उस कितना उसमें स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथ strength रखने की ताकत है इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी अल्टीमेट स्ट्रेस एंड स्टिफनेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल स्टोर बिफोर फ्रैक्चर ये सब चीज़ें हमें लोअ डिफॉर्मेशन का बताता है समझने वाला कुछ नहीं है सीधा सीधा याद रखने वाली चीज़ें हैं ये समझने वाला पॉइंट यहाँ आता है इस ग्राफ में तो इस ग्राफ को हम कैसे समझते हैं सबसे पहले इस ग्राफ को याद रखने के चार चीज़ें याद रखो अपनी पहला इलास्टिक लीजन यील्ड पॉइंट प्लास्टिक लीजन एंड अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट इस ग्राफ को ना हम साथ साथ ड्रा करेंगे ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सबसे पहले आप ये हमारा आ जाएगा यहाँ लोड जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिफॉर्मेशन तो आ गया हमारा यहाँ पे डिफॉर्मेशन लोड इस तरफ बढ़ रहा है और डिफॉर्मेशन हमारी इस तरफ को बढ़ रही है ईजीली ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा सबसे पहले आपको इस ग्राफ का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है ठीक है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पॉइंट्स मार्क कर दो ए बी ये आ गया बी वन सी बी वन आपका एक्सटेंड हो के जाता है नीचे यहाँ पे आ जाता है बी वन अब हमें याद रखना है कौन सी चीज़ क्या है ये याद रखेंगे इसके लिए हम पहले समझते हैं ये है हमारा इलास्टिक रीजन अब इलास्टिक रीजन में क्या होता है देखो जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है लीनियरली ठीक है इलास्टिक रीजन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है स्ट्रक्चर अपनी ओरिजिनल अगर हम यहाँ से लोड हटा देंगे ना तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाएगा तो ये पॉइंट हो गया हमारा यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट यानी कि अगर इसके बाद लोड और बढ़ा तो डिफॉर्मेशन परमानेंट होती चली जाएगी वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी लोड हटने के बाद ठीक है तो ये पूरा हो गया हमारा प्लास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन अच्छा ये प्लास्टिक और इलास्टिक नाम कहाँ से आए हैं इलास्टिक जैसे रब बैंड को देखा है आपने दबाते रहो वापस आ जाएगा था दैट इज़ इलास्टिक एंड प्लास्टिक किसी भी प्लास्टिक को दबा दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता इसलिए इस रीजन को प्लास्टिक रीजन बोलते हैं एंड दिस इज़ द अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट क्यों अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट इसलिए क्योंकि अगर हमने यहाँ यहाँ इसके बाद और लोड लगाया ना तो वो मटेरियल हमारा टूट ही जाएगा तो अब चीज़ें हुई ये हमारा यहाँ से बी वन पॉइंट लिया था हमने वापस आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम यील्ड पॉइंट से लेके अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट के, के बीच में कहीं पर भी लोड हटाते हैं तो हमारी कुछ अमाउंट ये कुछ अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा ठीक है तो इसलिए ये पॉइंट बी वन है ग्राफ समझ आ गया तो अब इसको फटाफट से देखते हैं इसको फटाफट से देखेंगे तो इलास्टिक रीजन यानी कि ए टू बी पॉइंट इसमें क्या होता है डिफॉर्मेशन मटेरियल का परमानेंट नहीं होता वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है यील्ड पॉइंट इज द बी पॉइंट जो मटेरियल नो लोंगर इलास्टिक रहता है और उसके बाद अगर लोड हटाए तो प्लास्टिक में चला डिफॉर्मेशन में चला जाता है इसके बाद जैसे बी टू सी इज़ द प्लास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन मतलब डिफॉर्मेशन जो है परमानेंट होती है लास्ट इज अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि इसमें अगर ब्रेक हो गया यहाँ पे अगर आ गया तो लोड हटाने के बाद अगर हमने लोड हटाने लोड एक्सीड करेंगे और ज़्यादा तो वो टिशू जो है ब्रेक हो जाएगा इसका एक क्लिनिकल एग्जाम्पल है रपच्चर्स जो हमारे लिगामेंट रपच्चर्स होते हैं दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट मतलब उस पर इतना ज़्यादा लोड लगता है एकदम से कि वो सीधा डायरेक्टली अपने अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट पर चले जाते हैं और रप्चर ही हो जाते हैं ओके सो आई होप आपको सबको लॉर्ड डिफॉर्मेशन कर्व समझ आ गया होगा मिलते हैं ऐसे और छोटे छोड़ छोटे क्लिप्स में छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ थैंक यू डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर